इन्होंने तो हम चोई में गाड़ दिया, क्या क्या वादे करे थे इन्होंने, और आज हमें बिल्कुल जो हमारे पास जमीन का टुकड़ा है वो जो मुद्दे तो चलता आया काशकार का, उसे भी छीनने को तैयार है। 22 जनवरी से हम आपका फोन कॉल ढूंढ रहे, एक कॉल दूर था। आज 22 जनवरी से 5 फरवरी हो गई। अरे शर्म नहीं आती, कितना बड़ा खून बहा देंगे, खून बहा देंगे, बच्चा बच्चा मर जाएगा, हम इस काम को कर देंगे मर जाएंगे, हम सब बच्चा बच्चा मर जाएगा, बाकी ऐसा नीच काम कर देंगे। तेल महंगाई है, 85 रुपए को तेल डीजल जरिए बनाए थे हमने, 35 रुपए को तेल था। नमस्कार, आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ और यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी हैं और देखिए ठंड का मौसम भी थोड़ा सा चल रहा है, माहौल थोड़ी सी आग लगाई हुई है यहाँ पर लकड़ियों को साथ में रखकर, और थोड़ा सा गर्माहट महसूस हो रही है, मुझे भी हो रही है। तो चलिए बड़े जो बैठे हैं उनसे बात करते हैं, सारे जन से बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार, आप कहाँ से आए हो सर? मैं अमरोही जिले से आया हूँ। अमरोही जिला? हाँ। अच्छा अमरोहा हाँ। तो उल्ला जिला नया बना था वो अमरोहा जिला है। हाँ। तो आप कितने दिन से यहाँ पर हो? हम बतेरे दिन से यहाँ, जस्सा आज हो गए 75 दिन हम है। अच्छा। 75 या 74 दिन हो गए। तो आप इस राकेश जी के साथ में हो? हाँ उनके साथ में है, और हम जाने के भी नहीं जब तक वह ज्ञान नहीं होगा। आपका उम्र क्या है? उम्र मेरी 85 साल। अच्छा 85 साल। हाँ। अच्छा तो फिर आपके परिवार तो होंगे घर पर सारे? हाँ हाँ, एक ही लड़का है कि पोता है। अच्छा। हाँ। वो करते क्या है? खेती करते हैं। अच्छा तो फिर आप उनके जिम्मेदारी सारा खेती छोड़कर आए हो? हाँ सब, अब उन्हें भी बुला लेंगे जब ऐसा मौका आएगा, हम जाने के नहीं, खेती जब खेती जा रही है तो हम क्या लेंगे घर, हम तो इतने पक्के में सब बच्चा बच्चा यहाँ यहाँ जाएगा हमारा। आपका नाम क्या है सर? तेजपाल। आप कहाँ से आए हो? अमरोहा जिले से। अमरोहा जिला से। तो आपके घर परिवार में कौन कौन है? हमारे भाई हैं और मतलब सब हैं, ये हमारा बड़ा भाई है। हाँ तो हम तो यही उस पर आए हैं, इन्हें जो हमारी गैल की अनिति करी है, जब तक ये कानून जो उनसे बनाए हैं जब तक वापस नहीं लेंगे। अरे 7 साल हो गए मनोज, ना हमारे गन्ने पे कोई पैसा बढ़ाया, और बिल हमेशा महीने के महीने। आज तेल सब पर महंगाई है, सब पर महंगाई है, तेल महंगाई है, 85 रुपए को तेल डीजल जरिए बनाए थे हमने, 35 रुपए को तेल था। इन्होंने तो हम चोई में गाड़ दिया, क्या क्या वादे करे थे इन्होंने, और आज हमें बिल्कुल जो हमारे पास जमीन का टुकड़ा है वो जो मुद्दे तो चलता आया काशकार का, उसे भी छीनने को तैयार है। तो हम कैसे मरना मजबूर है, पर हम जाने के नहीं। अच्छा। हाँ तो आप यहाँ पर डटे ही रहेंगे जब तक रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। सुनो ऐसा है, अगर मोदी जी जैसा हम यहाँ 3 महीने 75 दिन से पड़े हैं तो आकर बात क्यों नहीं कर सकते जब वो खड़े हैं, और हम चोर भी बताते हैं और आतंकवादी बताते हैं और हमारे और हम खालिस्तानी बताते हैं और यहाँ लाल किले पे भी केस बनाते हैं रोज के। अरे सामने आकर बात करें, जब वो खड़े हैं हम करें बात, जब चलेगा वो हाँ उसमें पटना में कहाँ है, बिहार में कहा वहाँ देखे वो वहाँ बंगाल में, और हम यहाँ सड़कों पर पड़े उनके घर, वो ऐसे हैं मोदी जी इतने बड़े हैं, हम सड़कों पर पड़े वो हमारे घर आ में, और हमारी सेवा देखा वो। आपने सुना है बड़े बुजुर्ग क्या कह रहे हैं कि वो प्रचार में जा सकते हैं लेकिन यहाँ बॉर्डर पर आके हमसे बात नहीं कर सकते। बात नहीं कर सकते बताओ कैसे हमारे मोदी जी आ रही है वापस आपके साथ। नमस्कार सर, नोएडा से हैं जी, मोरना सेक्टर 35 नोएडा से हैं। अच्छा। हाँ जी हम किसान हैं, हमारे आपका शुभ नाम? पप्पू सिंह, मैं किसान एकता संघ का मेरठ मंडल प्रभारी हूँ। अच्छा। हाँ जी हम किसानों के साथ हैं, हम जब तक यहीं डटे रहेंगे जब तक भी जो है वे वापिस नहीं होंगे। तो आप नोएडा में रहते हो तो आप घर जा सकते हो ना? हाँ घर भी जा सकते हैं जी, आ जाते हैं नहा धो करके फिर आ जाते हैं, फिर आ बैठते हैं। अच्छा। हाँ नमस्कार, आप कहाँ से आए? मैं नोएडा का रहने वाला हूँ और ये बैनर लग रहा है पीछे हमारा, किसान एकता संघ हमारा एक संगठन है जो ऑल इंडिया में काम कर रहा है, मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मेरा नाम पंडित प्रमोद शर्मा है और हम डे 1 से यहाँ संयुक्त मोर्चा के साथ हैं।
जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन अब खाली राकेश टिकैत का आंदोलन नहीं है, ये संयुक्त मोर्चा जो पूरे देश में चल रहा है किसानों का आंदोलन, इसमें सभी संगठन मिलके अब टिकैत साहब के साथ हैं और पूरे जो किसान नेता हैं जो भी सरकार ने अपने उसमें पैनलिस्ट बना रखे हैं, हम सब लोग उनके पीछे खड़े हैं। यहाँ बहुत सारे संगठन हैं जो अब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा हम लोग उनके साथ हैं। आप इस समय किसको वोट दिए थे इस बार? भाजपा को दिए थे? नहीं दिए, योगी मोदी को दिया था हमने वोट। आपने किसको दिया? इन्हें दिया था, यही बैठाए थे हमने कुर्सी पर, यो पता थोड़ा ही था, ये बालक को पैदा करते हैं, पालते हैं, उसकी टट्टी भी धोते हैं, अब यो क्या पता ऐसा निकल जाएगा वो हमें मारेगा। बहुत ऐसी औलाद होती है ऐसी जो अपने बाप को ही मारा, यो क्या पता हमारा सिर काट मिलकर घाट। कितने वादे करे थे इन्होंने, बहुत वादे करे थे, और एक वादा पूरा नहीं करा और जमीन में और घूट दिए, जो जमीन के टुकड़े को लेने को तैयार है। अच्छा, तो आप सारे जने बीजेपी को ही वोट दिए? सबने दिए थे, पूरी धरती ने, इंडिया में सबने वोट दिया मोदी को, इसलिए दिया कि किसानों की समस्याओं को खत्म करेंगे, जो समस्याएं पिछले 70 साल से देश में चल रही थी उन चीजों को खत्म करने के लिए वोट दिया। पूरे 99% लोगों ने भाजपा को वोट दिया, लेकिन भाजपा ने पिछले 7 साल में इस देश को तबाह कर दिया, और सबसे ज्यादा देश के विकास में सहायक किसान और खेत होता है, उस खेत को खत्म करने का और किसान को खत्म करने की साजिश है। इस साजिश को इस देश का किसान बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगा, ये खत्म होंगे कानून तभी हम सब लोग घर वापस जाएंगे। जाने के नहीं, दिल वापसी। जब तक मेरा नाम नानक सिंह है। चलिए, यहाँ पर बैठे हैं, हुक्का हो रही है, जरा उनसे भी बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हो? बुलंदशहर से। बुलंदशहर? बुलंदशहर से। आप कब से हो यहाँ पर? 5 तारीख से। 5 तारीख से? 5 जनवरी। अच्छा, 5 जनवरी से यहाँ पर? यहाँ पर नहीं, धरने में है। धरने में है। तो कौन से दूसरे बॉर्डर पे आए हो? कौन से बॉर्डर से? नोएडा बॉर्डर, डीएनडी। अच्छा, डीएनडी बॉर्डर से। तो फिर आप वो तो भानु का है? नहीं नहीं, भानु के अंदर हमारा लोक शक्ति का था। नहीं, हमारा भी किसान एकता संघ का भी वहाँ पे चल रहा था। किसान एकता संघ भी था हमारे, कई सम्मिलित थे, मतलब कई संगठन थे और सम्मिलित थे, हम लोग वहाँ बैठे और हम लोग। लेकिन वो लोग स्वराज जी का है, राइट जी? तो वो लोग तो राकेश टिकैत का समर्थन में नहीं थे पहले? खड़े हमारा ये लगा हुआ है बैनर, आप देख लो आपके पीछे है। हम तो पहले हम भी यार 26 तारीख से हमारा बैनर, हमारा सब चीज लगा हुआ है, और हम खुद हमारी एक टीम हमारी यहाँ पे रही है और आज भी हम ऐसे ही बैठे है। देखिए, हम लोग बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से धरना चला रहे थे, हमने अपनी शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा भी निकाली थी नोएडा में, और इन्होंने आरएसएस के गुंडे भेजकर जो 26 जनवरी में जब बीजेपी का जो देखिए ये आप आपके सुनो हमारे देश का चौथा स्तंभ जो बिका, देखिए चौथा स्तंभ जो बिका हुआ मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसने हमें क्या दिखाया कि ये आतंकवादियों ने झंडा फहरा दिया लाल किले के अंदर। लाल किले की जिम्मेदारी पहले किसकी बनती है? प्रधानमंत्री जी की, वहाँ की प्रधानमंत्री के अंडर सारी सेनाएं, सारी जितनी हमारे सुरक्षा बल हैं जितने भी हमारे, किसके अधीन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का अधीन। नहीं, जो 26 जनवरी को हुआ है तो आपका आपको उसके ऊपर क्या कहना है? 26 जनवरी उसका आप कहना चाहते हो? हाँ, उसमें से बताइए। वो हमारी किसान का कोई व्यक्ति नया, वो बीजेपी का सद्दू था, उसकी पार्टी के थे सगले, हमारे का कोई किसान का लाल किले पर नहीं पहुंचा था। तो आप लोग पहुंचे थे? कोई भी पहुंचे थे लाल किला पर? हमारे यहाँ किसान कोई भी लाल किले नहीं पहुंचा, वो सरकार के प्रायोजित लोग थे, वो 2 दिन से वहाँ पे ट्राई करते थे, डेली जाते थे आते थे, उनको सरकार ने भेजा सिर्फ इस आंदोलन को किसान को बदनाम करने के लिए। उन लोगों ने उनको वहाँ पे दीप सिद्धू पहले किसान नेताओं पे FIR सरकार करती है, दीप सिद्धू पे तब करती है, सोशल मीडिया में सरकार की किरकिरी होती है तब दीप सिद्धू को याद किया जाता है। जो बंदा लाइव डाल रहा है लाल किले से, आप उस पे FIR नहीं करते, और हमारे किसान नेताओं पे आप FIR करते हो? कथनी और करनी में यही पता लगता है, ये सरकार इस आंदोलन को तोड़ के देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। इस किसान को अभी तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई ये 3 कानून हम लेके आए हैं किसान की भलाई के लिए,
लेकिन एक दिन वो आएगा कि यही अडानी अंबानी जितने भी ये हमारे काश्तकार हैं, किसान भाई बहन हैं, इनकी जमीन को हड़पने का काम भी ये करेंगे। हमारा डर सच्चा है, हमारे किसान का डर सच्चा है। जब मोदी 75 दिन में नहीं मान रहे इस आंदोलन को, वापस नहीं दे रहे इन कानूनों को, तो आगे हम कैसा यकीन कर ले कि हमारी जमीन नहीं जाएगी? वो हमारी जमीनों को भी छीनेंगे और इस देश में से इस किसान को तबाह करके यहाँ मशीनरी युग लेके आएंगे। वो नहीं चाहते देश के अंदर। अभी पिछले दिनों आपने रिहाना का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़ी अमेरिकन सिंगर है, ओके, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया। उसमें रनावत ने, जो फिल्म स्टार एक्ट्रेस है रनावत ने, तो उन्होंने बोला कि यहाँ जितने भी बॉर्डर्स हैं, उस बॉर्डर्स में जो किसान बैठे हैं वो सारे आतंकवादी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। और इसके साथ बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स, ये बहुत जन ट्वीट करने लगे। वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो ना, हाथ धो। उसमें एक शब्द यूज होता है, देखो मेरा दो प्रश्न है, एक तो रिहाना का और दूसरा है जो क्रिकेटर्स शब्द यूज करते हैं, एमिकेबल। अंग्रेजी में एमिकेबल का मतलब ये होता है एक आराम से बैठ के बात करना, ओके। आपका इसके ऊपर क्या विचार है? पहला रिहाना के ऊपर बोलिए। रिहाना ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है। जब हमारे मोदी जी अमेरिका में चुनाव लड़ाने के लिए ट्रंप को पहुंचते, तब भी तो वर्ल्ड देखता है। तो अगर रिहाना ने ट्वीट किया किसानों के लिए, तो क्या गलत किया है? बात कंगना रनौत की हम करते हैं, उसका चरित्र, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका बचपन से लेके जवानी तक सब लोग जानते हैं कि वो क्या करना चाह रही हैं देश के अंदर, कितनी वो बिल्कुल एकदम जो है सज्जन बन के दिखा रही हैं, देश के किसान को आतंकवादी बताती हैं। अपने आप पे भी तो वो एक बार आत्मचिंतन कर लें कि आप कहाँ से निकल के आई हो, आप कहाँ से निकल के आई हो। मोदी की तरह अब की बार ट्रंप सरकार है ना, किसी तो प्रधानमंत्री ने आज तक प्रचार किया दूसरे देश में जाके? और बिल्कुल, ये देखिए, जो लोग क्रिकेटर, जितने भी लोग इस किसानों के विरोध में ट्वीट कर रहे हैं, ये उनसे करवाए जा रहे हैं। अक्षय कुमार ने भी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, अक्षय कुमार तो भाजपा के लिए पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो भाजपा ही है। क्योंकि देखिए, आप क्रिकेटर में लगा लीजिए, खेल में लगा लीजिए, फिल्मों में लगा लीजिए, तमाम तरह के जो बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, उनका 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 काम ही ये होता है कि सरकार के साथ खड़े होना, सरकार की बात को में बात मिलाना। वो एक बात, यहाँ कितने आतंकवादी हैं जो सही, यहाँ गांधी जी के अनुयायी हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये गांधी जी की राह। आपको आतंकवादी कह जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे इसको? किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, सभी कुछ कह रहे हैं। और बताओ, जैसी जो घटना हम पर लगाई है लाल किले की इन्होंने, हम अपना खून बहा देंगे उसी बात पर? तो ज्यादा गुस्सा जो इतने पर हम खून बहा देंगे, कुर्सी ना कुर्सी पे बैठाए, अरे यो नो तिरंगे के ऊपर हम खून बहा देंगे, खून बहा देंगे, बच्चा मर जाएगा, हम इस काम को कर देंगे, मर जाएंगे। जौन सा काम हमारे बड़े बुड्ढो ने इसमें कुर्बानी दी, हम जिंदा चिने गए हमारे बुजुर्ग लोग, और हम पर यो लगा रहे, बहुत शर्म नहीं आती? कितना बड़ा, हम सब बच्चा मर जाएगा, बाकी ऐसा नीच काम कर देंगे। मैडम, जब किसान का बच्चा ही खुद तिरंगे में लपक, दीवालों में चिने गए, दीवालों में देखिए, इतिहास था के देखो बेटे, दीवालों में चिने गए हम। सुनो जी, तो हम अब ऐसे नीच करें काम करेंगे जो हमारे बुजुर्ग ऐसा काम कर गए? बहुत बताओ तो, अब हमारा यकीन क्या है इनका, मोदी जी का, जो ऐसे ऐसे हम सब लाने लग गए। आपको संदेश देना चाहते हो? हाँ, संदेश देना क्या, वो हमसे बात करें जो डक, वो उसी बता मैं हमें। वो तो बोले मैं एक फोन कॉल के दूरी में हूँ। हाँ, एक फोन कॉल के दूरी में आएगा आपका फोन, कितने दिनों में आएगा बताओ? 22 जनवरी से नंबर भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, 22 जनवरी बताओ तुम दिन रखो, कब आएगा फोन हमारे यहाँ? नंबर सुनिए जी, हाँ जी, 22 जनवरी से ढूंढ रहे हैं हम आपका फोन कॉल हमारे यहाँ, कितने आप 22 जनवरी से हम आपका फोन कॉल ढूंढ रहे, एक कॉल दूर था, आज 22 जनवरी से 5 जनवरी 5 फरवरी हो गई। यार कितना लंबा कॉल, मैं ये देख रहा हूँ कितनी लंबी कॉल है, क्या धरती के नीचे से ये कॉल, हमारे आसमान के ऊपर से, हमारे यहाँ मंगल ग्रह पे है वो स्टेट, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। एक सेकंड में आ रहा हूँ, कबीर भाई से प्रश्न आने दो, प्रश्न आप क्या कहना चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं, ये लाने तो हमें लगा। अच्छा, आपको नंबर दिया जाएगा तो आप क्या कॉल करेंगे या फिर उनको बोलेंगे? यहाँ पर हम बात करेंगे उनसे,
कोई हम जो डर थोड़ा ही रहे हम उनसे, हमने कुर्सी पर बैठा है, हम उनके कुर्सी के बैठाए हुए नहीं है। हमारे तो हाँ शहीद हो गए, हम शहीद, हमने कुर्सी, हमने वो कुर्सी पर बैठा है तो हम उनसे कैसे डरेंगे? हम नहीं डरने के, वो डरेंगे हमसे। हमारे 200 किसान शहीद हो गए यहाँ धरना में, लेकिन आज तक उन्होंने खबर नहीं ली। जब उनका जी करे जब बात कर ले, चाहे फोन पर कर ले, चाहे वो सब खबर नहीं ली उन्होंने, पता तो जरूर लगा। आपने सुना है बड़े बुजुर्ग ने क्या कहा कि उनको बिठाया किसानों ने, ना उन्होंने किसान को बिठाया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है सरकार को। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।